लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी पर कार्यवाही को लेकर डीएम कार्यालय पर दिया गया ज्ञापन। सुन्नी मरकज साबरी मस्जिद के बैनर तले मौलाना गढ़ हुए एकजुट। राह के कुरान से 26 आयतें हटाने का निवेदन का करते हैं विरोध। दिया दबरे से डीएम कार्यालय पर सुन्नी मरकज साबरी मस्जिद गालिक नगर तिराह के बैनर तले उक्त संस्था पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया, जिसमें अवगत कराया कि शिया के वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दी गई याचिका, जिसमें कुरान से 26 आयतें हटाने का निवेदन है, इसके विरोध में हम उलेमाए अहले सुन्नत मरकज साबरी मस्जिद फिरोजाबाद और फिरोजाबाद के सदस्य और समर्थक विनम्रता पूर्वक महामहिम का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि हम सब भारत की एकता अखंडता के लिए अपने प्राण देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। देश में शांति और अमन कायम रहे, इसके लिए उक्त वसीम रिजवी जैसे मानसिक रोगी का इलाज अत्यंत आवश्यक है। वसीम रिजवी पर कार्यवाही होनी चाहिए। संबंध में आप ज्ञापन देने आए हैं आज? उलमा अहले सुन्नत का जो ये ज्ञापन है, वो मानसिक तौर से बीमार एक आदमी जिसको, जो शिया वक्फ बोर्ड का एक चेयरमैन है पूर्व वसीम रिजवी, जिसने हमारी धार्मिक किताब जो हम खुदा का कलाम है कुरान मजीद पर एक बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक बयान दिया, जिसने कुरान मजीद की 26 आयतों के ताल्लुक से उसने कहा कि इनको आयतों को कुरान मजीद से निकाल देना चाहिए, इसलिए कि ये आतंकवाद को, जबकि कुरान मजीद एक ऐसी मुतबरक किताब है कि वो कभी किसी के ताल्लुक से, कोई ऐसी बात उसमें है ही नहीं जो किसी के धर्म के या किसी के ताल्लुक से कोई गलत बात या गलत पैगाम दे सके, बल्कि कुरान मजीद हमेशा अमन व अमान का पैगाम देता है। लेकिन वसीम रिजवी जो मानसिक तौर से बीमार आदमी है, उसने कुरान मजीद पर जो बुरी टिप्पणी की है, हम उसके ख़िलाफ़ ये ज्ञापन अपने मुल्क के राष्ट्रपति के लिए लेकर के आए हैं, जो अपने ज़िला अधिकारी के थ्रू हम वहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं, और हम उनसे मांग करते हैं कि वसीम रिजवी जैसे मानसिक तौर से बीमार आदमी के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी हिंदुस्तान में इस तरह की बुरी बकवास ना कर सके। इसलिए कि हिंदुस्तान के लॉ में ये भी दाखिल है कि जो जिस धर्म की भी जो भी किताब है धार्मिक, उसमें ना कुछ घटाया जा सकता है ना कुछ बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इंडियन कानून के तौर से भी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये उलमा अहले सुन्नत मेरे साथ मौजूद हैं, मैं तनवीरुल कादरी इसीलिए यहाँ पर उलमा की अध्यक्षता करते हुए हाजिर हुआ हूँ।